मंथन फाउंडेशन का भव्य उद्घाटन समारोह कर्मा बाजार में हुआ संपन्न। प्रयागराज जिले के एक ब्लॉक कंधियार के अंतर्गत कर्मा बाजार में मंथन फाउंडेशन में महिलाओं को विवाह सैनिटरी पैड ₹1250 में पैड देकर बोर्ड मेंबर का सदस्य बनाया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं उस विवाह पैड को दूसरे महिलाओं को ₹1250 लेकर जोड़ती हैं। इनमें जो महिलाएं जोड़ती हैं इनके खाते में ₹125 फाउंडर कंपनी देती है। जब दूसरी कोई महिला जोड़ती है तब उनके पहली महिला के अकाउंट में ₹94 मिलते हैं। इसी तरह ₹1250 में विवाह पैड में 64 पीस होता है जिसका बाजारू मूल्य लगभग ₹2000 है। अगर इसको बाजारू मूल्य में बेचती हैं तो इन महिलाओं को और मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी से बेरोजगार और रोजगार मिलता है। यह एक नेटवर्किंग बिजनेस है जिसमें महिलाएँ प्रतिदिन 200 से लेकर 1000 प्रतिदिन कमा रही हैं। यह विवाह पैड में फाउंडर बीके सिंह हैं। इसके मेंबर बोर्ड के सदस्य शर्मिता पटेल, प्रभात कुमार, विकास सिंह, शिवम कुमार, विकास सिंह, ज्ञान पटेल आदि मंथन फाउंडेशन के सदस्य हैं। समृता पटेल ग्रामीण महिलाओं को बुलाया और विवाह पैड के बारे में बताते हैं। बोर्ड मेंबर सदस्य भी बनाया। इसी तरह ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कर्मा से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। उस दिन बच्चे पूछेंगे, पापा या मम्मी आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि आज जो दौलत हम कमाते हैं वो बचा नहीं पाते, खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में, बिटिया की शादी में, बीमारी में वगैरह वगैरह में खर्च हो जाता है। हम उस पैसे को बचा नहीं पाते और लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, उस समय हम क्या जवाब देंगे? अगर आज हमने ऐसा कुछ काम किया जिसके एवज में कल हम काम करने के लायक न रह जाए तब भी पैसा आए। जैसे जैसे कार्य करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकम आपको मिलता है। जैसे रॉयल्टी के बारे में बताया। हाँ, रॉयल्टी के बारे में यहाँ तक पहुँचने के लिए 50 पेयर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका भी कोई फाउंडेशन नहीं है। जब रॉयल्टी कंप्लीट कर लेते हैं अगले महीने से आपको 10 पेयर, जब आपके 50 लोग दाहिने और 50 लोग बाएं लग गए हैं तो काम तो निकलना ही निकलना है ना। वो 50 लोगों में से क्या 10 लोग भी काम करने वाले नहीं है, करेंगे? आप जब खुद ही इतनी अच्छी टीम बना ली है। अच्छा, 50 पेयर कंप्लीट होने के बाद आपके पास भी एक अच्छा खासा इनकम आप लोगों को दिखने लगेगा। तो खुद सर आप ये बताएं कि जो मंथन फाउंडेशन का ये मीटिंग चल रहा है किसका, किस लिए उद्देश्य है? मंथन फाउंडेशन एक प्रकार के महिलाओं के लिए पूरा ये फाउंडेशन बनाया गया है जो कि उनके स्वास्थ्य एवं रोजगार का अवसर प्रदान करती है। मंथन फाउंडेशन से जुड़ के हर महिला अपने स्वास्थ्य एवं रोजगार को आगे बढ़ा सकती है। तो ये कैसे रोजगार बढ़ा सकते हैं? हमारे संस्था में महिलाओं को एक विशेष प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं को गुजरना पड़ता है जो कि हमारी संस्था उनको सपोर्ट करती है। जैसे माहवारी में होने वाली जो भी परेशानियां रहती हैं हमारी संस्था उसमें अवेयरनेस यानी महिलाओं को जानकारी प्रोवाइड करती है और उनसे कैसे बचा जाए, कैसे हम निरोग रह सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार का अवसर हमारे संस्था का जो भी बना हुआ सैनिटरी नैपकिन है, महिला हमारी संस्था से जुड़ के मेंबर बन के सदस्य बन के उस सैनिटरी नैपकिन के बारे में अगर आगे महिलाओं के बारे में बताती है, प्रचार करती है, तो उनके द्वारा आगे सैनिटरी नैपकिन बेचा जाएगा, उससे आने वाला प्रॉफिट उन महिलाओं के रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं मैंथन फाउंडेशन का बोर्ड मेंबर। आपका पता सर? पता हमारा कोहड़ार घाट मिर्जा इलाहाबाद।